वाहगुरु जी का खालसा, श्री वाहगुरु जी की फतेह। मैं बाजवा पेस्टिसाइड जिला फतेहगढ़ साहब तो, अज असी खड़े हाँ इंद्रजीत सिंह होना दे लहार माजरा खुरद के खेतों से। इन्होंने अंकल जी होना ने सीधी बिजाई करी सी झोने की, तो झोना बहुत वधिया खड़ा अंकल का। तो अंकल जी का तो साडा सुझाव तो यही है भी सारे जट इदा ही झोना लाउण, ता जो आने वाली जिन्या भी नस्लां ने जां पीढ़ियां ने भी पानी की दिक्कत ना आवे इदा, क्योंकि ये ना पानी बहुत बचता है। तो बाकी तो अंकल जी दसणगे जो कुछ अंकल जी उन्होंने झोने च किया, जो जो वरायटी बीजी किवें बीजी जो कुछ होया सारा कुछ दसणगे अंकल जी। ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਸੀ ਬੀਜੀ? ਇਹ ਬੀਜੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜੀ। 25 ਮਈ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਇਹ 21 ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ। 121 ਹੈ ਨਾ? 121 ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 25 ਮਈ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤ ਖੜਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਖੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਤ ਖੜਾ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਰ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁਮਾ ਦੇਵੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਖੇਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਤੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। बूटा भी बहुत वधिया खड़ा, कोई बिमारी नहीं है बूटा। एक सर पद्धर खेत खड़ा है, कोई कख की प्रॉब्लम नहीं है। जे किसी वीर ने झोना देखना है झोना देख के जरूर जाने। डरो डरी पा लिया अंकल जी ने। वध एक किलो जिंक पाई है जी। 5 किलो जिंक पाई है जी। 6 किलो रीजेंट पाई है। 6 किलो रीजेंट पाई है जी। ते कोई खेत विच जिथों तक लगता भी खेत विच कोई शायद बीमारी ना आए, ना कोई उल्ली की स्प्रे करनी पवे शायद, ते ना आने वाले टाइम च कोई सुंडी की प्रॉब्लम आए। ते अंकल जी तुसी की कहना चाहोगे जिहड़े लोकी होर कद्दू करके लाउंदे? मैं तां कहना वी जीरी बहुत वधिया काम है जी, बहुत लोट है, कोई खेचड़ा नहीं है नहीं जीरी भोरा भी। मैं कहना नज़ारे ना जी, नज़ारा मैं लगा कहना चांद लाइट ना आवे तां वी नज़ारा साडे ट्राम साहब। ओ दस्सो मन, मैं तां ही छेड़ा तुहानूं जी। साडे लाइन टुट गई जी, 8 दिन लाइट आई बाद आई आ। 8 दिन बाद लाइट आई अंकल जी। असीं जीरी नूं पाणी लाया ही नहीं, कोई नहीं आया जीरी दे। कहिंदा मतलब कि वी 8 दिन दा तेल बच गया, जे दूजे कद्दू करके लाउंदे तां 8 दिन दा तेल लाउंदे। तेल ना ट्रैक्टर कटदे आ 50 लीटर खंड रोज। इक इक किले दे विच मैं कहना 4 घंटे तां तेल लाए मूली ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੇ ਟੇੜਾ ਖੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੇਢੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ 32 ਕੁਆਂਟਲ ਝਾੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ 28 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਆਵੇ ਘੱਟ ਆਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜੀ। सपंज हुंदी है हल्का हल्का महसूस हुंदा, कोई साडी भी सीधी बिजाई करी हुई है अंकल जी। खेत साडे नाल वधिया खड़ा है। 14 किले जीरी लाया मेरे, 14 किले जीरी यही लाई भी आ। 14 दे अंकल ने पूरा रिस्क लै के लाया, कोई मतलब ट्रैक्टर लवेड़िया नहीं कद्दू विच जमें। देखो भी खर्चे बच गए, ट्रैक्टर तो अंदर खड़ा है। बिल्कुल जी, मतलब जेड़ा खेत ट्रैक्टर का नुकसान होता भी बचता है। कोई ट्रैक्टर बैरंग नहीं साफ कराया, कोई ब्रेक नहीं साफ कराई, मतलब सीधा धोता तो पानी मार के खड़ा अंदर खड़ा बस। चलो जी, चलो फिर इसे गल समाप्त करते हुए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।